जैसे जैसे 30 दिसंबर का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे काले धन कुबेरों की धरपकड़ भी तेज होती जा रही है। आज भी मुंबई से दो जगहों पर पुलिस ने काफी संख्या में कैश बरामद किया। मुंबई के अंधेरी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 1,40,00,000 की रकम बरामद की है। ये सारी रकम 2,000 के नोट के रूप में है। पुलिस ने नई रकम के साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही वो कार भी जब्त कर ली है जिसमें ये रकम लाई जा रही थी। वहीं झावेरी बाजार में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बुलियन ट्रेडर के ठिकाने पर छापा मारा है, जहां से 70 करोड़ रुपए कैश मिलने का दावा किया गया है। हालांकि यह अभी पता नहीं चल पाया है कि ये नोट नए हैं या पुराने। अभी तक ट्रेडर के 4 दफ्तरों पर छापेमारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले कल भी मुंबई से पुलिस ने तिलक नगर इलाके से वाहन चेकिंग के दौरान 10,10,00,000 रुपए जब्त किए थे। इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहीं बिहार से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रक्सौल से आयकर विभाग ने 32 करोड़ के नए नोट और 6 किलो सोने के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि विभाग ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। वहीं पंजाब के मोहाली, चंडीगढ़ और गुजरात के सूरत से भी आयकर विभाग ने काफी संख्या में कैश बरामद किया है और अभी भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। नोटबंदी के बाद से ही लगातार काले धन के कुबेर पकड़े जा रहे हैं। आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और जाहिर है कि आने वाले दिनों में ऐसी कई और हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आएंगी। देखते रहिए डीबी लाइव।